नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल वर्मा, मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। वेलकम टू हेल्दी हो। आज हम बात करेंगे ट्रैवलिंग से रिलेटेड। हर एक पेरेंट के माइंड में यही कंसर्न रहता है कि हमारा ट्रिप ख़राब तो नहीं हो जाएगा, बच्चा बीमार तो नहीं हो जाएगा। तो क्या क्या हम प्रिकॉशनरी मेडिसिन लेके रख सकते हैं कि जो ट्रैवल किट बना लें, जैसे हम टॉयलेट टिश्यू की बनाते हैं, तो बच्चे की मेडिकेशंस के लिए तो दो तीन मेडिसिन आई ऑलवेज फील कि यू शुड हैव विद यू। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो पैरासिटामोल आप रख सकते हैं, जिसकी अप्रोप्रिएट डोज आपको पता होनी चाहिए अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिलके, क्योंकि फीवर कभी भी हो सकता है। दूसरा, एक वॉमिटिंग की मेडिसिन आप अपने साथ रख सकते हैं। और तीसरा हमारा एंटासिड रहता है कि एसिडिटी, क्योंकि आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं तो खाना पीना थोड़ा ऊपर नीचे हो गई। सो एक गैस की मेडिसिन, एंटासिड, वो ओवर द काउंटर्स में मिल जाते हैं, वॉमिटिंग की मेडिसिन और पैरासिटामोल। दीज थ्री थिंग यू शुड ऑलवेज हैव विद यू सेल्फ। और साथ में, क्योंकि ट्रैवल कर रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ होगी तो कोई कट लगना या चोट लगना, बच्चे भाग दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, सो एक एंटीसेप्टिक क्रीम आपके पास होनी चाहिए। कोई भी नियर बाय केमिस्ट शॉप से और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके वो रख सकते हैं। बैंडेड्स आप अपने साथ रख सकते हैं, वोलनी जेल और स्प्रेज टाइप चीज़ें रख सकते हैं, कोई गुमचोट हो गई तो। सो दो तीन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है कि गुमचोट के लिए, कोई कट लग गया उसके लिए हमारे पास फर्स्ट एड एक बॉक्स सा होना चाहिए। और कभी भी आप ट्रैवल करने जा रहे हो, उससे पहले आप अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं, तो वो आपको और बेटर गाइड कर लेंगे कि आपके बच्चे के केस में कोई और चीज़ है, कि जैसे किसी को एलर्जी की टेंडेंसी ज़्यादा है, या बहुत फ्रीक्वेंटली कफ कोल्ड हो जाता है, या डस्ट एलर्जी है, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशनरी एक दो चीज़ें अपने साथ ट्रैवल कर सकते हैं। बट कोई भी मेडिकेशन देने से पहले वी शुड बी इन टच विद आर डॉक्टर। और कुछ प्रिकॉशंस और कुछ डेंजर साइंस हमेशा आपके माइंड में क्लियर रहना चाहिए कि अगर कोई डेंजर साइन आ रहा है तो फिर सेल्फ मेडिकेशन से बेटर है आप नियर जो भी नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी है वहाँ पे दिखाएं। डेंजर साइन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल बेहोश हो रहा है, कि होश में नहीं आ रहा है, बिल्कुल एक्सेसिवली ड्राउजी है। दूसरा है, कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टी तो नहीं हो रही, कि बच्चे की सांस चल रही है, पसली चल रही है, हाँफ रहा है, कहीं से ऑब्वियस ब्लड आने लगा, एक्सेप्ट फॉर चोट के अलावा, जैसे सुसु में, पॉटी में, बलगम में। बच्चा खाना पीना बिल्कुल ज़ीरो हो गया, बेबी इज़ नॉट इवन टेकिंग वाटर, एक घूट पानी भी नहीं पी पा रहा, तो दवाइयाँ देना तो वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर सिग्निफिकेंट यूरिन आउटपुट फॉल कर गया है, कि दिन में दो से तीन बार भी यूरिन पास नहीं किया, मतलब सिग्निफिकेंट डिहाइड्रेशन हो गया है, शरीर के अंदर पानी की कमी हो गई, तो देन इट इज़ बेटर सेल्फ मेडिकेशन के बजाय हम नियर बाय डॉक्टर से मिल लें।